चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। उधर मतगणना से पहले बीजेपी ने काउंटिंग एजेंट को प्रशिक्षण देने की तैयारी की है। सभी लोकसभा सीटों पर 3 जून को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश स्तरीय टीम के पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें ओकार सिंह लखावत, श्रवण सिंह बगड़ी, नारायण पंचारिया सहित पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। 3 जून को सभी लोकसभा सीटों पर काउंटिंग में जाने वाले एजेंट को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सेन सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने हैं, ऐसे में 3 जून को सभी लोकसभा सीटों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो इस मामले में क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल आकांक्षा, हम देखेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन बीजेपी की अगर बात कर ली जाए तो जो काउंटिंग स्थल पर बैठेंगे, जो एजेंट जिनको काउंटिंग के लिए लगाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, खासतौर से ईवीएम को लेकर, क्योंकि ईवीएम में हर किसी की पकड़ नहीं होती है कि किस तरह से काउंटिंग होती है। जो पोलिंग आते हैं उनमें कुछ संबंधित जो उम्मीदवार है उसके कितने वोट आए हैं, क्या इसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है, तो इन तमाम चीजों को लेकर जिन पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी एजेंट बनाकर, तो उनको पहले बताया जाएगा, एक रिहर्सल कराया जाएगा, प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा, पूरी तरह से ट्रेंड किया जाएगा कि जो भी व्यक्ति जब काउंटिंग स्थल पर पहुंचे तो ट्रेंड हो और उसको पूरी नॉलेज हो कि आखिरकार मतगणना स्थल पर किस किस तरह से काउंटिंग होती है, उनके पूरी पोलिंग जो काउंटिंग है उसकी जो वोटिंग वोट आते हैं उन वोटों को कैसे काउंट किया जाता है। तो ये काउंटिंग है ना कि कल 3 जून को पूरे लोकसभा सीटों पर 25 लोकसभा सीटों पर जो है अलग अलग जो टीमें हैं वो वहां पर जाएंगी। आज हमने देखा कि जयपुर के अंदर प्रदेश स्तरीय जो प्रशिक्षण शिविर यहां पर आयोजित हुआ, तमाम लोगों को यहां पर ट्रेनिंग भी दी गई, जानकारी भी यहां पर दी गई, और हम देखेंगे अब जो पदाधिकारी हैं जयपुर से अलग अलग लोकसभा सीटों पर पहुंचेंगे और कल ये हर लोकसभा सीट पर जो राजस्थान 25 लोकसभा सीटें हैं वहां पर ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि लोकसभा चुनावों की मतगणना 4 जून को होनी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने काउंटिंग एजेंट को प्रशिक्षण देने की तैयारियां की है और सभी लोकसभा सीटों पर यह प्रशिक्षण 3 जून को दिया जाएगा ताकि अच्छे से मतगणना की जा सके। इसके लिए भाजपा काउंटिंग एजेंट को प्रशिक्षण देगी।